पिछले कुछ वर्षों में नए प्रकार के फूलों ने भारत में दस्तक दी है। किसानों ने आगे बढ़कर इन फूलों का स्वागत कर इनकी कृषि को अपनाया है। किसानों के परिश्रम के फलस्वरूप आज भारतीय जनमानस का नए फूलों से परिचय तथा उनके इस्तेमाल का अवसर प्राप्त हुआ है। आज की कड़ी में हम एक ऐसे सुंदर और आकर्षक फूल की चर्चा करेंगे जिसकी कृषि सजावटी पौधे के रूप में गमलों में की जा रही है। आकार में सुंदर और कई रंगों में पाए जाने के कारण आज सजावटी फूल के रूप में इसकी मांग बढ़ती जा रही है। इसकी अनोखी कृषि क्रिया किसानों की रचनात्मक सोच व कर्मठता को दर्शाती है। आइए नजर डालें गमलों में की जाने वाली कृषि से मिलने वाले सुंदर, अनोखे और आकर्षक फूल इम्पेशेंस की। भारत में गुलमेहंदी के नाम से प्रचलित है। गुलमेहंदी छुई मुई के परिवार से संबंधित चटकीला और प्रफुल्लित करने वाला फूल है। गुलमेहंदी के पौधों की घर में बागवानी व व्यवसायिक कृषि बहुत आसान है, लेकिन कुछ मुख्य बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो आइए नजर डालें गमलों में की जा रही गुलमेहंदी की व्यवसायिक कृषि पर। आज भारत में गुलमेहंदी की व्यवसायिक कृषि गमलों में बहुत कम राज्यों में की जा रही है। आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में इसकी व्यवसायिक कृषि बहुत ही चुनिंदा क्षेत्रों में की जा रही है। सजावटी फूलों के रूप में इसकी बढ़ती हुई मांग और पॉलीहाउस कृषि के बढ़ते हुए चलन को देखते हुए ये अनुमान लगाया जा सकता है कि बहुत जल्द गुलमेहंदी की व्यवसायिक कृषि बड़े पैमाने पर भारत के कई अन्य राज्यों में भी शुरू हो जाएगी। गुलमेहंदी की कृषि के लिए आपके क्षेत्र का तापमान 16 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच और हवा में नमी लगभग 60 से 70% होनी चाहिए। गुलमेहंदी की कृषि पूरे वर्ष खुले खेत में करना संभव नहीं है, इसलिए इसकी व्यवसायिक कृषि शेड नेट या पॉली हाउस में करना सबसे उचित होता है। तो आइए सबसे पहले हम ये जान लें कि किसान गुलमेहंदी के पौध को रोपण के लिए तैयार कैसे करते हैं। गुलमेहंदी के बीजों को अंकुरण से लेकर पौध का रूप लेने तक कई महत्वपूर्ण चरणों से गुजरना पड़ता है। अन्य फूलों की अपेक्षा गुलमेहंदी के बीजों को अंकुरित होने में अधिक समय लगता है। बीजों के अंकुरण की दर अपेक्षाकृत कम होने के कारण भारत में गुलमेहंदी को कर्तन विधि द्वारा उगाया जाता है। कलम को कोकोपीट से भरी कृषि ट्रे में लगाकर नियमित तापमान व आर्द्रता वाले एक विशेष कक्ष में रख दिया जाता है। इस कक्ष की संरचना बहुत ही आधुनिक है। सबसे पहले एक आधार तैयार किया जाता है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस आधार के दोनों तरफ प्लास्टिक के पाइपों को लगाया गया है। अब इस आधार को प्लास्टिक की मोटी पन्नी से ढक दिया जाता है। अब इस तैयार कृषि ट्रे को इनके अंदर रख दिया जाता है। ये कक्ष पूरी तरह से वातानुकूलित होता है और कक्ष के अंदर लगभग 80 से 90% नमी होती है। कृषि ट्रे को पूरी तरह प्लास्टिक से ढक देने के कारण अंदर का तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। इस प्रकार नमी और वातावरण को नियंत्रित करने से 25 से 30 दिनों में कलमों में जड़ों का निर्माण हो जाता है। फिर इन्हें अगले चरण के लिए आगे भेज दिया जाता है। रोपण के लिए पौध को सुनिश्चित करने के बाद किसानों को एक आधुनिक पॉली हाउस का निर्माण करना आवश्यक है। आज भारत में कई प्रकार के पॉली हाउस बनाए जाते हैं, लेकिन गुलमेहंदी की कृषि के लिए किस प्रकार के सही पॉली हाउस का चयन बहुत जरूरी है। इसलिए आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र जाकर पॉली हाउस लगाने से संबंधित सभी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप दिए जा रहे अनुदान के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बेसिकली ये इम्पेशेंस जो प्लांट है, तो ये इम्पेशेंस यूरोपियन ओरिजिन का प्लांट है। इसकी लगभग 1000 तक इसकी अलग अलग सी वैरायटीज या स्पीशीज अवेलेबल है। तो ये जो अलग अलग सी 1000 वैरायटी है, इसमें कल्टीवेटेड वैरायटीज जो है, जो कि अपने पॉट प्लांट कल्चर के लिए यूज़ की जाती है या फिर ऑर्नामेंटल बोल के यूज़ की जाती है। तो ये लगभग 100 से 150 वैरायटीज ऐसी है कि जो इसमें यूज़ की जाती है। तो उसमें से कुछ अपने कलर देखे अलग से, तो इसमें बहुत अच्छी कलर की रेंज है। तो जिसमें कि व्हाइट कलर है, रेड कलर है, ऑरेंज है, कुछ वेरीगेटेड, जिससे कि दो कलर का कॉम्बिनेशन है।
तो उसे हम वेरीगेटेड कहते हैं। तो कुछ वेरीगेटेड कलर्स है, कुछ येलो कलर है, देन वेरीगेटेड येलो है जिसमें कि येलो विथ व्हाइट पैचेस है, ऐसे अलग अलग से कलर्स है। इन गमलों में मीडिया को भरा जाता है और फिर पौध का रोपण कर दिया जाता है। फिर इन्हें पॉली हाउस के अंदर तैयार रैक पर रख दिया जाता है। आज हम पुणे के तलेगांव में स्थित एक आधुनिक पॉली हाउस में खड़े हैं, जहां गुलमेहंदी की व्यवसायिक कृषि बड़े पैमाने पर गमलों में की जा रही है। पॉली हाउस में गमलों में गुलमेहंदी की कृषि आरंभ करने से पहले इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि गमलों को रखा कहां जाए। गमलों में स्वस्थ फूलों की प्राप्ति के लिए किसान मिट्टी के संपर्क से होने वाली बीमारियों से खास तौर पर बचाना चाहते हैं, इसलिए सुरक्षा के तौर पर कुछ किसान गमलों को पॉली हाउस में रखने से पहले जमीन पर प्लास्टिक की खाली चादर, जिसे वीड मैट कहते हैं, इसे बिछा देते हैं, या फिर वो एक 2.5 फुट ऊंचे आधार का निर्माण करते हैं, जिससे मिट्टी के संपर्क में ना आते हुए पौधों का स्वस्थ विकास होता रहे। हमारे किसान ने अपने पॉली हाउस में इस 2.5 फुट ऊंचे आधार का निर्माण किया है। ये आधार जमीन से 2.5 फुट ऊंचा और लगभग 32 फुट लंबा होता है और दो समानांतर आधारों के बीच लगभग 3 फुट की दूरी छोड़ी जाती है, जिससे किसानों को काम करने में आसानी होती है। इस विशेष प्रकार के आधार को प्लास्टिक के तारों और एक खास किस्म के ट्रे से तैयार किया जाता है। सबसे पहले एक छोर को दूसरे छोर से मजबूती से प्लास्टिक के तार से जोड़ दिया जाता है। उसके बाद इस खास किस्म की ट्रे को इन पर रखा जाता है। फिर प्लास्टिक के पतले तार की मदद से सभी ट्रे को एक दूसरे से कस के बांध दिया जाता है। इस आधार की खासियत ये है कि लगाए जाने वाले गमलों में हवा का संचार अच्छी तरह से बना रहेगा और किसानों को सभी पौधों का ध्यान रखने में भी आसानी होगी। ओवरऑल अगर इस स्टैंड का स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये पूरा फैब्रिकेटेड स्टैंड है, प्री फैब्रिकेटेड स्टैंड है। यहाँ के सिर्फ हमने इंस्टॉलेशन किया हुआ है। ये बहुत कम खर्चे में हो सकता है, ये सिंपल टेक्निक है। इसका स्टैंड का हाइट देखा जाए तो हमने 2.5 फीट का हाइट रखा है टोटल। तो ये अगर अपने अंदाज से खेड़ों के हिसाब से देखा जाए तो ये 3 बालिश का डिस्टेंस है, यानी कि 2.5 फीट के आसपास ये डिस्टेंस है। तो टोटल 2.5 फीट के हाइट पे हमने ये ग्रोइंग किया है। और ये जो प्लांट ग्रो करते, ये ग्रो करते समय क्या हो जाता है कि ये पॉट जो है, पॉट को नीचे से होल हो जाते। ये होल में एरेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो जब आपका पॉट अगर हैंगिंग रहता है, यानी कि हवा में रहता है, तो नीचे से उसको ऑक्सीजन मिलेगा, नीचे से उसको अच्छी तरह से हवा मिल जाएगी। दूसरा इसका खासियत है स्टैंड पर रखने का कि आपका पॉट जो है डायरेक्ट सॉइल के कॉन्टैक्ट में नहीं आता, इसलिए आपको जो सॉइल बॉर्न डिसीजेस है उससे आप प्लांट प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और जो ऑक्सीजन मैंने जो बताया, तो ज़्यादा से ज़्यादा एयर और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलने के कारण इसका रूट डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आपने देखा कि पूरे इसमें माइक्रो रूट से प्राइमरी और सेकेंडरी रूट जो है वो कंप्लीट डेवलप हुआ है। इस कारण प्लांट का ग्रोथ भी अच्छा डेवलप हो जाता है, इसके कारण प्लांट का हेल्थ भी अच्छा रहता है। ये इस स्टैंड का बेनिफिट है। इस पॉली हाउस के अंदर धूप को नियंत्रित करने के लिए काले रंग के स्वचालित शेड नेट लगाए गए हैं, जिन्हें जरूरत अनुसार खोला या बंद किया जा सकता है। ये शेड नेट गुलमेहंदी की कृषि के लिए बहुत अहम है। पॉली हाउस के अंदर आधार का निर्माण करने के बाद किसान रोपण की तैयारी करते हैं। मृदा वैज्ञानिकों के अनुसार बलुई मिट्टी जिसका पीएच मान 5 से 6 के बीच हो में गुलमेहंदी की कृषि करना सबसे उपयुक्त है। सबसे पहले किसान रोपण के लिए इस्तेमाल होने वाले मीडिया को तैयार करते हैं। मीडिया को तैयार करने में कोकोपिट, मिट्टी और जैविक खाद के साथ साथ थर्मोकोल को भी मिलाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि मीडिया में थर्मोकोल को मिलाने से मिट्टी में सूक्ष्म छिद्रों से हवा का आवागमन होता रहता है। मीडिया के घटकों का अनुपात कुछ इस प्रकार है।
125 किलोग्राम लाल मिट्टी, 75 किलोग्राम कोकोपीट, 50 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद और 2 किलोग्राम थर्मोकोल। गुल मेहंदी की कृषि में इस्तेमाल किए जाने वाले मीडिया से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र की सलाह जरूर लें। गुल मेहंदी के पौधों में फूल आने में पूरे 4 महीने लग जाते हैं। स्वस्थ फूलों की प्राप्ति पूरी तरह से पॉली हाउस के अंदर तापमान और नमी पर निर्भर करती है। इन गमलों में मीडिया को भरा जाता है और फिर पौध का रोपण कर दिया जाता है। फिर इन्हें पॉली हाउस के अंदर तैयार रैक पर रख दिया जाता है। इन गमलों को 15 से 20 दिनों तक पूरी सावधानी और देखरेख में बड़ा किया जाता है। किसान समय समय पर पॉली हाउस के अंदर फॉगर व कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं। रोपण के 20 दिन बाद पौधे के मुख्य तने को ऊपर से कैंची की मदद से छांट दिया जाता है। गमलों में तैयार किए जाने वाले सजावटी पौधों के लिए छटाई अनिवार्य है। छटाई के 7 से 8 दिनों के अंदर ही मुख्य तने के आसपास 2 और तने दिखने लगते हैं। इन दोनों तनों का ठीक ढंग से ध्यान रखते हुए हमारे किसान इनकी वृद्धि पर नजर रखते हैं। अभी ये जो प्लांट का ग्रोथ स्टेज है, ये स्टेज में इसका पिंचिंग करना बहुत जरूरी होता है। तो अभी अब हमने ये स्टेज में इसका पिंचिंग कर देते हैं और पिंचिंग करने के बाद जो है इसमें साइड शूट्स आना, यानी कि इसको ब्रांचिंग हो जाना शुरू हो जाना शुरू हो जाता है। तो इसमें अभी ये देखा कि हमने सभी प्लांट को जो है पिंचिंग करके छोड़ दिया है। तो ये पिंचिंग करके छोड़ दिए जो प्लांट है, ये कुछ दिनों में इसमें बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग डेवलप हो जाएगा और जितना ब्रांचेज ज़्यादा हो जाएगी उसमें बहुत ज़्यादा उसी हिसाब से उसको फूल भी आ जाएंगे, उतने ज़्यादा उसको फूल आ जाएंगे। जैसे ही ये तने बड़े हो जाते हैं इन्हें भी छांट दिया जाता है। अब मुख्य तने के अतिरिक्त 4 से 5 अतिरिक्त तनों का विकास शुरू हो जाता है। कृषि विशेषज्ञों का ये मानना है कि गमलों में उगाए जाने वाले सजावटी पौधों की लंबाई कम होनी चाहिए और फूल गुच्छे जैसे दिखने चाहिए। इसलिए सावधानी पूर्वक इनकी छटाई करके इनमें लगभग 4 से 5 तनों को विकसित किया जाता है, जिससे ये बहुत घने और आकर्षक दिखने लगते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि जितना ज्यादा घना पौधा होगा उतने ही ज्यादा फूल आएंगे। कंप्लीट ब्रांचिंग होने के बाद, पिंचिंग के बाद देखा जाए तो इसको जब हम डेवलपमेंट स्टेज के लिए, ग्रोथ स्टेज के लिए रख देते हैं तो पूरा कंप्लीट पिंचिंग के बाद जो ग्रोथ हो जाता है तो इस तरह से प्लांट डेवलप हो जाएगा। तो इसको मल्टीपल शूट्स यानी मल्टीपल ब्रांचेस आ जाएंगे और जितने मल्टीपल ब्रांचेस हो जाएगी तो उसी हिसाब से उसको फ्लावर भी हो उतने ज़्यादा आ जाएंगे। तो अगर देखा जाए पूरा पिंचिंग करके रेडी प्लांट्स है तो इसमें बहुत ज़्यादा शूट्स है और बहुत ज़्यादा फ्लावर्स भी है। तो ये इसकी ब्यूटी है पिंचिंग की। तो जितना ज़्यादा पिंचिंग अच्छी तरह से करोगे उतना ज़्यादा उसको अच्छा ब्रांचेस आ जाएगा और उस जितने ब्रांचेस ज़्यादा हो जाएंगे उसके ऊपर उतना फ्लावर ज़्यादा आ जाएगा। गुल मेहंदी के पौधों में डाली जाने वाली खाद का चयन व छिड़काव की प्रक्रिया हर चरण में बहुत महत्वपूर्ण होती है। आज हमारे किसान इनका निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण के दौरान ये पौधों को हल्का झटका देकर मीडिया के साथ बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालकर ये इसकी जड़ों का निरीक्षण कर रहे हैं। यदि पौधे की जड़ों का रंग काला या गहरा भूरा दिखे तो ये समझ जाते हैं कि ये पौधे स्वस्थ नहीं हैं। इसके अलावा जड़ों से सफेद रेशे जैसी पतली संरचनाएं दिखना भी इनके स्वस्थ होने का प्रमाण होती हैं। पौधों को स्वस्थ रखने और भरपूर पोषण पहुंचाने के लिए शुरुआती चरण में हफ्ते में 1 बार और 1.5 महीने के बाद 2 बार घुलनशील सूक्ष्म पोषक तत्वों का छिड़काव किया जाता है। जैसे जैसे ये पौधे विकसित होने लगते हैं इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के अनुपात को हर चरण में बदल दिया जाता है। जैविक पद्धति से तैयार किए गए ये पौधे स्वस्थ और लंबे समय तक खिले रहते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र जाकर पुष्प एवं भूदर्श निर्माण संभाग के कृषि विशेषज्ञों की सलाह ले सकते हैं। गुल मेहंदी के पौधों पर कीटों का हमला बहुत जल्दी होता है। इन पर लगने वाले मुख्य कीट और रोग हैं पत्ती छेदक, फफूंदी, तना गलन तथा जड़ सड़न। इन सभी कीट व रोगों से बचने के लिए इन पौधों पर हर 5 से 6 दिन में 1 बार कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है। हमारे किसान जैविक पद्धति पर विश्वास करते हैं, इसलिए ये कीट प्रबंधन के लिए नीम के तेल या केचुए की खाद के पानी का छिड़काव करते हैं।
किंतु कभी कभी ऐसे कीट या रोग भी लग जाते हैं जिनके निपटारे के लिए रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग करना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए सही कीटनाशक के चुनाव के लिए आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र जाकर कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। इसको बहुत ज्यादा पेस्ट या डिसीजेस नहीं आते, बट जो कॉमन डिसीजेस है जैसे कि बैक्टीरियल ब्लाइट है, कुछ रूट रॉट है या स्टेम रॉट है, तो ऐसे कुछ डिसीजेस है जो कि बहुत कॉमन ऐसे जो पेस्टिसाइड से या फंजीसाइड से, वो हम इसके ऊपर स्प्रे करके मेंटेन कर सकते हैं प्लांट। इस बात का ध्यान रखना होता है कि गमलों में पानी का ठहराव ना हो रहा हो। पानी का ठहराव होने से जड़ों में फफूंदी लगने का खतरा बढ़ जाता है। गुलमेहंदी की फसल व्यावसायिक कृषि में अपनी एक अहम भूमिका निभाती है। इसके पौधों को पानी की अधिक आवश्यकता होती है। हमारे किसान आज फव्वारा प्रणाली द्वारा पौधों की सिंचाई कर रहे हैं। गमलों में कृषि किए जाने की वजह से इन पौधों में हर दो दिन में एक बार सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। सिंचाई का अंतराल आपके क्षेत्र के मौसम और तापमान निर्भर करता है। इसका अगर पानी का रिक्वायरमेंट जिसे हम इरिगेशन बोलेंगे, तो इरिगेशन शेड्यूल अगर देखा जाए तो हम एवरी अल्टरनेट डे यानी कि एक दिन का गैप रख के हम इसको पानी दे देते हैं, और इसको जितना भी ड्राई एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होगा उतना इसके लिए अच्छा है। ड्राई ह्यूमिड क्लाइमेट में ये प्लांट अच्छा ग्रो हो जाता है, ये इसकी खासियत है। बहुत ज़्यादा अगर गीला किया तो इसको ये प्लांट को नहीं चलता, बहुत ज़्यादा गीले इसमें ये प्लांट सर्वाइव नहीं हो सकता, इसको इमिजिएटली सॉइल बॉर्न डिसीजेस आ जाते हैं। कृषि विशेषज्ञों की सलाह अनुसार शुरुआती चरण में सिंचाई दिन में एक बार और आखिरी दो महीनों में हर दूसरे दिन सिंचाई करनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखना होता है कि गमलों में पानी का ठहराव ना हो रहा हो। पानी का ठहराव होने से जड़ों में फफूंदी लगने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हमारे किसान समय समय पर इन गमले का निरीक्षण करते रहते हैं। आधुनिक तकनीक से तैयार किए गए इस पॉली हाउस में खरपतवार की समस्या बिल्कुल ना के बराबर होती है, क्योंकि इन गमलों को जमीन से 2.5 फुट ऊपर बनी रैक में रखा जाता है। फिर भी हमारे किसान हर 8 से 10 दिनों में हर एक गमले का निरीक्षण करते हैं और सूखे हुए पीले पत्तों को छांटकर गमलों की साफ सफाई करते रहते हैं, क्योंकि पीले पत्तों व गले हुए तने से भी रोग फैलने का खतरा बना रहता है। आज पौधों को लगाए लगभग 110 दिन हो चुके हैं। पॉली हाउस में लगाए गुलमेहंदी के इन पौधों में रंग बिरंगे फूल खिल उठे हैं, जो देखने में बहुत खूबसूरत और आकर्षक लग रहे हैं। गुलमेहंदी के फूल में 5 पत्ते होते हैं और ये लगभग 1.25 से 2 इंच तक बड़े होते हैं। गुलमेहंदी के फूल लाल, सफेद, नीले, नारंगी, बैंगनी के साथ साथ कई रंगों में पाए जाते हैं। अब ये पौधे पूरी तरह से सजावटी गमले का रूप ले चुके हैं। अब बात करते हैं इन गमलों की पैकिंग व्यवस्था की। ग्राहक के पास भेजने के लिए ये किसान उच्च दर्जे की पैकिंग की व्यवस्था करते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण चरण है जिस पर किसानों की इतने दिनों की लंबी मेहनत निर्भर करती है। ये किसान पैकिंग के लिए एक खास किस्म के गत्तों से बने डब्बों को बाजार से आयात करते हैं, जिनमें 6 गमलों को रखने की सुविधा होती है। यातायात के दौरान पौधों को कोई नुकसान ना पहुंचे और ये अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुंच जाएं, इसलिए इस खास किस्म के डब्बों का प्रयोग करते हैं। गमलों को इन डब्बों में डालने के बाद इन्हें पैकिंग टेप की मदद से अच्छी तरह से पैक कर दिया जाता है। अब ये तैयार हैं ग्राहक के पास भेजे जाने के लिए। इस एक तैयार गमले की कीमत बाजार में लगभग 250 से 300 रुपए होती है। साल भर में 1 एकड़ के पॉली हाउस में लगभग 40,000 से 50,000 गुलमेहंदी के तैयार गमले प्राप्त किए जा सकते हैं। ये कम समय में साल भर खिलने वाला एक सजावटी फूल है,
जिसकी कृषि किसान चाहे तो 2 से 3 बार कर सकते हैं। किसान चाहे तो इसकी साल भर कृषि करके कम से कम 8 से 10 लाख रुपए की कमाई कर सकते हैं। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अगर किसान पारंपरिक कृषि के साथ साथ सजावटी फूलों की कृषि भी करें तो जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। ये इम्पेशंस का अगर टोटल हम कल्टीवेशन करना चाहते हैं, मानो एक एकड़ में अगर कल्टीवेशन करना चाहते तो एक एकड़ में इसका जो ये 5 इंच का जो गमला है या पॉट जिसे बोलेंगे, तो ये 5 इंच का गमला अगर देखा जाए तो 45 से 48 हज़ार तक गमले बैठ सकते हैं एक एकड़ में। और इसका ओवरऑल कमर्शियल अगर इसका देखा जाए तो हर एक प्लांट के पीछे या हर एक गमले के पीछे आपको 4 से 5 रुपये का मुनाफा मिल सकता है सेलिंग के बाद, तो 4 से 5 रुपये का मुनाफा मिल सकता है। मगर इसकी खासियत यह है कि ये शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, कम दिनों वाला क्रॉप है। तो कम दिनों वाला क्रॉप होने के कारण इसके साल भर में आप 2 से 3 साइकिल ले सकते हैं, 2 इम्पेशंस का साइकिल ले सकते हैं और किसी तीसरे एक क्रॉप का एक सीजन में तीसरे क्रॉप का साइकिल ले सकते हैं। तो अगर ऐसा कुल मिला के देखा जाए तो 3 साइकिल में आपको ये कल्टीवेशन के लिए आपका एक एकड़ का जो पॉलीहाउस है वो काम में आ सकता है। और ओवरऑल आपका जो प्रॉफिट है, अगर साल भर का प्रॉफिट देखा जाए तो आपको 15 से 20 रुपये हर एक गमले के पीछे मिल सकता है साल भर के प्रॉफिट में। गुल मेहंदी को सर्वप्रथम पूर्वी अफ्रीका में उगाते हुए पाया गया और इन्हें वहाँ जंजीबार या वर्तमान तंजानिया का देशज माना जाता है। जंजीबार के सुल्तान के नाम पे इसको इम्पेशन सुल्तान के नाम से भी संबोधित किया जाता है। बाद में सन 1861 में अंग्रेजी धर्म प्रचारक हॉरेस वॉलर के सम्मान में इसका नाम इम्पेशंस वॉलराना पड़ गया। अंग्रेजी चिकित्सक और प्रकृतिवादी डॉक्टर जॉन किर्क ने सन 1896 में गुलमेहंदी से पश्चिमी सभ्यताओं को परिचित कराया। क्या आप जानते हैं गुलमेहंदी वर्ग के फूलों की 1000 से भी ज्यादा प्रजातियां हैं। गुलमेहंदी की कुछ प्रजातियों में साल भर फूल आते हैं। क्या आप जानते हैं कि गुलमेहंदी के पौधे 7 फुट लंबे भी हो सकते हैं। गुलमेहंदी के परिपक्व आवरण फटकर बीजों को दूर तक फेंक देते हैं। उत्तरी अमेरिका में गुलमेहंदी का प्रयोग मधुमक्खी के डंक, कीड़े के काटने तथा बिच्छू घास के संपर्क में आने के उपचार के रूप में किया जाता है। गुलमेहंदी के फूल नीले, नारंगी, गुलाबी, लाल, सफेद, लिलियक तथा दो रंगे भी होते हैं। आज बड़े कार्यालयों, घरों व बागीचे की शोभा बढ़ाने में गुलमेहंदी की मांग बढ़ती जा रही है। अब लोग गुलदस्तों की बजाय इन फूलों को भेंट करने में ज्यादा रुचि लेने लगे हैं। गुलदस्तों की अपेक्षा ये ज्यादा समय तक तरोताजा रहते हैं। यदि किसान गमलों में की जा रही आधुनिक कृषि तकनीक का चयन कर लें तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा प्राप्त हो सकता है, जो आने वाले समय में उनके आय का मुख्य जरिया बन सकता है। अगली कड़ी में हम बात करेंगे एक ऐसे मेवे की कृषि की जो कॉफी तथा चाय के बाद अधिकतम विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाली फसल है। इसकी कृषि करके किसान 25 से 30 साल तक मुनाफा कमा सकते हैं। ये खाने में बेहद स्वादिष्ट एवं विटामिन तथा खनिजों से भरा है। हम बात करेंगे प्रसिद्ध मेवे काजू की।